नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चत्रांश। लखनऊ में स्पोर्ट्स कॉलेज में कॉलेज का 8वां रीयूनियन हो रहा है। उस दौरान एक मंच पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है और अब आपको सीधे ले चलेंगे इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स संगम के कार्यक्रम में, जहां पर हमारे सहयोगी राजीव मिश्रा मौजूद है। शुक्रिया आयुष। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज और उत्तर प्रदेश के कई बड़े सितारे हमारे पास हैं और आज हम इन खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के मिशन खेलो इंडिया के पीछे जो दिमाग चल रहा है या जो कुछ कोशिशें चल रही है वो कितनी कामयाब होगी। साथ ही आपको कोच जो कोचेस हैं उनकी सोच भी आपको बताएंगे। साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों के इस एक मंच पे आपको नजर आएंगे और उससे भी बड़ी आज दो सितारे हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरपी भाई हैं, ओलंपियन हॉकी खेले हैं, इस समय यूपी गवर्नमेंट में डायरेक्टर हैं और इसके साथ वीएस चौहान जी हैं, एशियन गेम्स चैंपियन रहे हैं, ओलंपिक्स खेले हुए हैं, इनकी भी सोच आपको बताएंगे। और हमारे साथ स्पोर्ट्स कॉलेज के ये तमाम जो अपने समय के बहुत दिग्गज खिलाड़ी रहे इनसे भी हम बातचीत करेंगे, इनके भी व्यूज आपको लगातार सुनवाएंगे, इनकी एक्सपीरियंस सुनवाएंगे। और ये खूबसूरत जो ध्यानचंद स्टेडियम आप देख रहे हैं, इस स्टेडियम का भी एक अपना इतिहास रहा है। यहां पर कई अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले गए और मुझे याद है मोहम्मद शाहिद का आखिरी मैच भी हम सब ने यहां पर देखा था और उसके बाद हॉकी की एक नई परंपरा को बढ़ते हमने यहां से देखा था। तो इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे और शुरुआत आरपी भाई मैं आपसे ही कर लेता हूं। हॉकी जब खेल रहे थे वो मैदान और इस समय डायरेक्टर की जो पोस्ट पे वो मैदान, कौन सा ज्यादा टफ लगा आपको? राजीव, खेल तो अपने आप में बहुत अच्छा है और मैं यही कहूंगा कि पास्ट अच्छा था, वर्तमान तो संघर्ष का है, लेकिन जब खिलाड़ी ग्राउंड में रहता है, खेलता है, तो उसकी अपनी एक जिंदगी होती है, एक समाज के प्रति कह सकते हैं, देश के प्रति कह सकते हैं, प्रदेश के, वो सोच अलग होती है। और खिलाड़ी होना और खेलना सबसे बड़ी बात है, बाकी तो आजीविका चलाने के लिए नौकरियां आदमी करता रहता है। यहाँ की कुछ यादें हैं? बिल्कुल है, मैं यहाँ यहीं पे प्रैक्टिस करता रहा। जब ये पहली बार ये T8 में 1988 में यहाँ पे सबसे पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल मैच हुआ था और ये टर्फ उसी समय लगी थी, तो मैं उस इंडियन टीम का मेंबर था और यहाँ पे मैं खेला था। फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हुई, उसके बाद भी मैं यहीं पे खेला था। बाद में वो परंपरा चलती रही, बीच में टर्फ खराब हो गई, वो नहीं हुआ। बाद में 2016 में यहाँ पे विश्व कप जूनियर हुआ, वो अपने आप में बहुत प्रदेश के लिए और किसी भी प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात थी। और खास तौर से जब से जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा था, कोई भी होस्ट कंट्री चैंपियन नहीं बनी थी, लेकिन वो भी रिकॉर्ड इंडिया ने तोड़ा और यहाँ लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश में विश्व कप हुआ और यहाँ इंडिया चैंपियन भी हुई। जी, चौहान सर भी हमारे साथ है। चौहान सर, जिस हॉट सीट पे इस समय आरपी भाई बैठे हैं उस हॉट सीट पे आप बैठ चुके हैं, वो एक्सपीरियंस जरा बताएं कि जब डायरेक्टर थे तब का एक्सपीरियंस और आप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं, हम सब आप यहाँ के जब परिवार के मुखिया थे तो हम सब आपके सानिध्य में रहे, कैसा रहा एक्सपीरियंस और अब स्पोर्ट्स कॉलेज आके कैसा लग रहा आपको? बहुत समय बाद स्पोर्ट्स कॉलेज आने का मौका मिला है और एज ए खिलाड़ी खेलते रहे उस समय कोई चिंता नहीं थी, परंतु जब 1975 में ये डिसाइड हुआ कि खेल विभाग सरकारी बनेगा और यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना हो रही है, तो मुझे टाटा की नौकरी छोड़कर 2400 रुपए मिलते थे, 1250 रुपए में। आपने टाटा को टाटा कर दिया? टाटा को छोड़ के यहाँ पे अनुमति लेके आए हम, तो अच्छा है कि पहले के हमारे जो माननीय खेल मंत्री थे राजाजीत प्रताप सिंह, माननीय लोकपति त्रिपाठी जी, पद्मश्री केडी सिंह बाबू जो खुद ओलंपियन थे और पहले एशिया के थे जिन्हें हेम्स अवार्ड ट्रॉफी मिली थी अमेरिका में, उनकी देखरेख में और राज भार्गव साहब सेक्रेटरी जो कि रणजी ट्रॉफी खुद खेले थे क्रिकेट में, उनकी देखरेख में एक कॉलेज का बनना हुआ, खेल विभाग बना और उससे इतनी उपलब्धि हुई कि आरपी भाई को तो मालूम है कि उस समय इंडिया टीम में 18 के 18 कोशिश होती थी कि पंजाब के ही रहें, नहीं तो 16 जरूर हों। पर जब पद्मश्री केडी सिंह बाबू आए, हॉकी हॉस्टल खोले, स्पोर्ट्स कॉलेज खोला,
तो ये वक्त आया कि 16 में से 18 में से 11 लोग उत्तर प्रदेश के होते थे इंडिया हॉकी टीम में, तो ये प्रगति आप जान सकते हैं। तो पहले के लोग तो उन्होंने काफी काम किया और इस संस्था को अच्छा बनाया, इसके बाद एक स्पोर्ट्स कॉलेज और खुला और एक स्पोर्ट्स कॉलेज फिर उत्तराखंड में खोला गया जिसका मैं फाउंडर प्रिंसिपल था। तो हम लोग जितने थे डेडिकेटेड थे और काफी मन लगा के काम किया, ऊपर के लोग भी अच्छे थे, उन्होंने सहयोग दिया, इस तरह से संस्था आगे बढ़ती गई। जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके, बड़े साल बाद आप आए होंगे, प्रिंसिपल तो रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर आने का देख रहे हैं आप पुराने तमाम जो शिष्य हैं आपके बैठे हुए हैं अलग अलग फील्ड में, सब अपने आप में चैंपियन है, कैसा लग रहा है इन सबके बीच आगे? वास्तव में बहुत सुंदर लग रहा है और ये समझ में होना चाहिए जिससे कि पता पड़े कौन कहाँ है, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिससे कि आगे बढ़ सकता है खेल और क्या कमियां हैं, क्या समीक्षा है, इनकी सबकी होती रहनी चाहिए जिससे कि देश आगे बढ़े। बिल्कुल, आपने देश आगे बढ़ने की बात की आरपी भाई, उसी से मैं आगे जोड़ना चाहता हूँ। मिशन खेलो इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक मिशन शुरू किया, उस मिशन को लेकर अलग अलग स्टेट्स में भी गए, अब आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मिशन को आगे कैसे लेके जाएं, कैसे आप देखते हैं इस खेलो इंडिया मिशन को? क्योंकि जब हम लोग खेला करते थे तब घर में डांट पड़ती थी, चोरी से घर से निकलना पड़ता था, आज फैमिली जो है अपने बच्चों को भेज रही है मैदान पे कि आप जाएं और खेलें, एक एक अलग तरीके से इनकम का जरिया बन चुका है स्पोर्ट्स, कैसे आप देखते हैं इस मिशन खेलो इंडिया को? देखिए, जब देश का एक माहौल बनता है ऊपर से तो नीचे तक अपने आप जाता है, और मुझे कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से, और उन्होंने यूथ को और खास तौर से इंडिया के सभी पब्लिक को खेल के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने खेलो इंडिया ले आए, उसका नतीजा ये है कि जो हमारे पास खेल अवस्थापना पहले शहरों में होती थी, अब वो धीरे धीरे तहसील गांव पे भी पहुंचने लगी है, और जो प्रतिभाएं हैं खेल में, आप सभी जानते हैं, हम सबका बैकग्राउंड, चाहे चौहान साहब हो, चाहे रणबीर सिंह साहब हो, या मैं, या एक्स वाई जेड कोई भी हो, वो गांव का ही उनका बेस रहता है। तो जो सुविधा पहले अगर गांव में बच्चों को मिले, फिर वो शहर में आते हैं तो यूज करके आते हैं, और कोई भी खेल, चाहे वो टीम गेम हो या इंडिविजुअल हो, शुरू में अगर उनको अच्छी सुविधाएं, अच्छी तकनीक मिलेगी, तो निश्चित तौर पे हम ऊपर अच्छी टीमें तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार हैबिट बन गई, मान लीजिए रैकेट गेम है, अगर उसने सही तरीके से बैडमिंटन का रैकेट पकड़ना नहीं सीखा तो बाद में उसको आप चेंज नहीं कर पाते हैं। वैसे हॉकी है, वैसे ही आपका क्रिकेट है, कोई भी एक्शन या कोई भी गेम को अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले जब बच्चा ग्राउंड में आता है तो सबसे अच्छा कोच मेरे समझ से वहां पे होना चाहिए कि तकनीकी दृष्टि से उस बच्चे को शिक्षित करे, जिससे कि वो आने वाले दिनों में अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। और जहां तक खेलो इंडिया की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था, बीच में आपने देखा होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जी उसी के हिसाब से फिर भारत सरकार ने अब दे दिया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। तो अभी हमारे जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, हमने ये हर 75 जिले का अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ और वहां पे जो हमारे खेल अधिकारी हैं उनके साथ एक संयुक्त रूप से उनकी संस्तुति मांग करके हमने भारत सरकार को भेजा है, और बहुत जल्दी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के अंतर्गत हर पूरे प्रदेश के जिले में एक खेल वो चुनेंगे जिसका कि जो कोच होगा और इक्विपमेंट है वो भारत सरकार ही वहन करेगी, बाकी जो हमारे खेल हैं वो हमारे जो प्रदेश सरकार है वो चलाती रहेगी, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स का भी अब ये भारत में एक नारा हो चुका है, और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये होने जा रहा है, लगभग 1000 सेंटर भी स्थापित होने हैं। आरपी भाई, कोरोना काल के बाद फिटनेस को लेके, इम्यूनिटी को लेके बहुत ज्यादा काम हुआ है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को भी काम दिए गए, फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी है उसके लिए, और खास तौर से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाए जहां पे इम्यूनिटी के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, अवेयरनेस उतनी नहीं है, कैसे इन चीजों को आप आगे ले जा रहे हैं? क्योंकि ये आम जो दर्शक है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो एक खाका तैयार किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको आगे ले जाने का काम आप सब होता है, कैसे आप ये पूरा प्लान आगे लेके जा रहे हैं? देखिए, जहां तक फिट इंडिया की बात है उसमें यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्राउंड पे आए,
और हम लोग लकी हैं राजीव, ये जितने भी हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के एक्स स्टूडेंट बैठे हैं या जो भी यहाँ, लगभग सब खिलाड़ी हैं और इनको पता है कि अगर हम अपने को फिट रखेंगे तो हम पूरे समाज के लिए भी एक अच्छा मैसेज देते हैं, अपने घर परिवार को भी फिट रखें। फिट इंडिया का मतलब यही है कि आप जहां भी रहें जो कुछ भी अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं वो करिए। और जहां तक प्रदेश सरकार की बात है तो प्रदेश सरकार जो है समय समय पे प्रशिक्षण का आयोजन करता है, प्रतियोगिताएं कराता है, उसी के माध्यम से हम मैसेज देते हैं। भाई चैलेंजेस बढ़े हैं थोड़ा कोरोना काल के बाद, एक साल क्योंकि मैदान से दूर, चीजें और बड़े तस्वीर के तौर पे आप इसको देख रहे हैं? नहीं, बढ़ा है। और इस बार जो हमारा बजट पास हुआ है, मुझे बताते हुए मैं आपके चैनल पे पहली बार बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार, पहले केवल खेल विभाग शहरों में केवल जिले लेवल पे काम कर रहा था, तो अभी हम लोग ने तहसील को भी ले लिया है, वहां भी खेलकूद प्रोत्साहन समिति बनाया है, जिले का बनाया है, मंडल का बनाया है, तो हर तहसील पे 60,000 रुपया दिया जा रहा है प्रतियोगिताओं के लिए, हर जिले में 5 लाख रुपया और मंडल स्तर पे 15 लाख रुपया, जिससे कि उस मंडल की जो प्रतिभाएं हैं तहसील से लेकर के जिले तक और मंडल तक आए, और उसके लिए 8,55,00,000 रुपए की व्यवस्था भी हो चुकी है। तो ये कोरोना काल के बाद ये नई शुरुआत भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो साल है और जो समय है, जैसे भारत हमारा जो देश है इस समय विश्व का सबसे युवा देश है, उसी के अंतर्गत आप देखिए तो भारत में भी सबसे युवा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो युवाओं के लिए और खास तौर से खेल के लिए बहुत अच्छा माहौल बनाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और हम पूरा सब लोग अपने सीनियर से, अपने साथियों से सहयोग करके जो भी नई नई स्कीमें हो सकती हैं हम खेल विभाग के माध्यम से लागू करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा जो यूथ है वो खेल के प्रति आकर्षित हो और आने वाले दिनों में अपने को भी फिट रखे, परिवार को भी फिट रखे और मेडल के लिए भी सोचे, केवल फिटनेस के साथ साथ वो अपने खेल पे भी ध्यान दे। बिल्कुल, और इसके लिए बहुत जरूरी है चौहान सर की आप अपनी स्किल पे कैसे काम कर रहे हैं, आप उन टेक्नोलॉजीज को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है। आप क्योंकि एथलीट रहे और एथलेटिक्स में उतना अच्छा हिंदुस्तान का रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन क्या आप एक बड़ा रीजन ये देख रहे हैं कि स्किल के साथ साथ पावर जो है और उसके बाद टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजें अब वक्त आ गया है कि जब खेलो इंडिया मिशन चल रहा है तो ये चीजें हिंदुस्तान में हम बाहर ना जाएं इन चीजों को लेने के लिए, क्या आप ये समझते हैं उससे फायदा होगा एथलीट्स को भी? नहीं, देखिए बहुत फायदा हो रहा है और अब बहुत सी पूरे वर्ल्ड में खोज हुई है जिसमें यूनिसेफ ने कहा है कि यदि आप 10,000 रुपए खेलों पर खर्च कर रहे हैं तो 1,00,000 रुपए आप चिकित्सा पर और प्रशासन पर बचा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे, और पूरे विश्व को संदेश गया हर देश को कि आप अपनी स्पोर्ट्स कंपलसरी करें, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, कि शरीर के माध्यम से भी साधना होती है और यदि नागरिक स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, और इसमें खेल और योगा का बहुत बड़ा योगदान है। तो नई जो शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये समस्त समावेश किया गया है कि फिजिकल एजुकेशन को महत्व दिया गया है, पहले फिजिकल एजुकेशन को शिक्षा के बराबर नहीं मानते थे, अब इसको शिक्षा के बराबर लाया गया है और हमें स्वस्थ नागरिक चाहिए, स्वस्थ इंजीनियर चाहिए, स्वस्थ डॉक्टर चाहिए, स्वस्थ राजनीति में चाहिए, स्वस्थ व्यापारी चाहिए, तो इस सब के लिए खेलों का बहुत महत्व है। और मात्र 20 साल से 50 या 60 साल की जिंदगी है जिसमें कि 40 साल मैक्सिमम आप जीते हैं, 20 साल सोते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, उस 20 साल को अच्छी तरह से एंजॉयमेंट के लिए खेल और योगा का और भारतीय संस्कृति इनका समन्वय जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म द्वारा भी देखा गया है कि क्राइम बढ़ रहे हैं, ड्रग्स बढ़ रहे हैं, माफिया बढ़ रहे हैं, तो इन सब पे इवन विश्व के थर्ड वर्ल्ड वार को ओलंपिक को द्वारा रोका जा सकता है, ओलंपिक के द्वारा ये विश्व में प्रमाणित हो गया है, तो इसीलिए खेलों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और अच्छी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हर ब्लॉक स्तर पे स्पोर्ट्स
स्टेडियम के लिए युवा बालक बालिकाओं के लिए व्यवस्था की गई है, बिल्कुल ये बहुत ही सराहनीय है। अभी भाई मैं स्पोर्ट्स कॉलेज, क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, और जब हम डॉर्मेटरी की तरफ जाते हैं एक बोर्ड हम देखते हैं वहाँ पे लगा, जब हम लोग आए थे तो बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नाम वहाँ पे लग रहे थे, सडनली वो नाम लगने बंद हो गए, दोबारा से नाम कैसे लगेंगे, क्या कर रहे हैं इसके लिए आप? जो नाम पहले थे अब आपको आने वाले दिनों में जरूर दिखेंगे जी, और कई लड़के अब, क्योंकि हम लोग के लिए तो बड़ा वो इंस्पायरिंग होता था मोमेंट जी, मेरा भी बोर्ड पे नाम लिखा हुआ था रणवीर भाई का भी है शायद हमारे साथ बैठे हुए, तो वो एक अच्छी बात है, एक परंपरा थी। होता क्या है कि एक सिस्टम होता है, अगर एक बार निकलने लगता है आदमी तो निकलता है, कुछ ब्रेक जैसे चौहान साहब ने कहा था कि बीच में ब्रेक हो गया, लेकिन अब फिर शुरुआत हो रही है जी। और स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए बेहतर के लिए हम सब जानते हैं क्या हो सकता है, आप लोग पूर्व छात्र रहे हैं, आप लोगों से भी मैं ओपिनियन लूंगा, सजेशन लूंगा कि खेल के लिए और खास तौर से स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए क्या बेहतर हो सकता है। और मैं यही चाहूंगा कि आप ये जो दो दिन का अपना स्पोर्ट्समैन वेलफेयर आपने जो गठित किया है, तो हर क्षेत्र के इसमें खिलाड़ी हैं, युवा भी हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने ये दो दिन में जो आपने अपनी जो खेल के माध्यम से या ये दो दिन आप यहाँ पे करेंगे, तो ये कुछ हमको ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दें कि हम क्या प्रदेश सरकार से और हम क्या कर सकते हैं कि अगली बार जब हम लोग मिले तो हम कह सकें कि आपका ये सजेशन बहुत अच्छा था और उस सजेशन पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कमियां तो हर जगह हैं जी। उन कमियों को हम कैसे निराकरण करें, कमियों को कैसे दूर करें, ये हम सभी का काम है, कोई बाहरी इस कमी को दूर करने नहीं आएगा। तो बताइए भाई, तैयार है? जरा हाथ उठाइए सब लोग, सजेशन आएगा कॉलेज की तरफ से, हमारे कॉलेज के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सजेशन आएंगे सबकी तरफ से, ये आरपीए भाई को वादा की जाए सब लोग। बिल्कुल, और कमियां अगर हैं केवल कह देने मात्र से दूर नहीं होता, आप सब सामूहिक रहें, हम आपके साथ हैं, आपके सीनियर हैं, और हम सब मिल करके आज हम उस पोजीशन पे हैं, हो सकता है कि हम मिल करके उस कमियां का निराकरण कर सकते हैं, तो हम सबको मिलके ये काम करना है। इंडिविजुअल ये खेल आगे नहीं बढ़ता है, ये तो टीम गेम है, जैसे कोच का जितना महत्व है उतने ही महत्व खिलाड़ी का है, उतने ही खेल संघ का है, उतने ही सरकार का है, तो सब मिल करके अगर हम अगर कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा काम होगा और प्रदेश के हित में काम होगा। आप हॉकी प्लेयर भी रहे आरपी भाई, हॉकी के लिए स्पेशली कोई प्लान है आपके जहन में जो आप हमारे जो व्यूवर्स उनके साथ शेयर करना चाहें? देखिए, हॉकी का जहां तक सवाल है, आप देख ही रहे हैं जैसे चौहान साहब ने कहा, अभी भी हमारा जो जूनियर का कैंप लगा है, जो कोर ग्रुप है, उसमें प्रदेश के लगभग 8 लड़के हैं कैंप में, और सीनियर जूनियर सब में लड़के हैं, तो अब धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि जो हम अभी 62-63 जिलों में हॉकी के प्रति लोगों का रुझान है, 75 जिले में जाए, और इसके साथ साथ हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी खेल को बढ़ाने के लिए कोचिंग चाहिए, प्रतियोगिता चाहिए, उसको करने के लिए प्रदेश सरकार और खेल संघ सब मिल के काम कर रही है, और पहले केवल हम लोग सब जूनियर लेवल में कराते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने हमें लगभग 2.5 करोड़ रुपया सीनियर वर्ग के लिए भी दे दिया है, तो सीनियर वर्ग की भी प्रतियोगिता अब हम लोग ने शुरू कर दिया है 4 साल से, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अच्छा माहौल बनेगा, और पहली बार आप देखिए कि ये भी होने जा रहा है कि गांव पे, ब्लॉक पे, तहसील पे ओपन जिम की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी पैसा दे दिया है, तो ओपन जिम हो जाएगा, प्रशिक्षण हो जाएगा, प्रतियोगिता होगी, तो एक माहौल बनेगा, और जब माहौल बनता है तो रिजल्ट अपने आप आता है। चौहान साहब, हमेशा क्रिकेट को बड़ा ब्लेम किया जाता है कि क्रिकेट को ज्यादा तरजीह दी जाती है, हम सब भी जब शोज बनाते हैं तो क्रिकेट ज्यादा उसमें दिखाते हैं, एक्चुअली क्योंकि वहां पर रोल मॉडल्स बहुत है, एक दूसरे को ऐसा लगता है बैटन पकड़ाने का काम कर रहे हैं, वो चाहे हम सचिन तेंदुलकर से बात कर लें, सचिन ने बैटन दिया रोहित शर्मा विराट को, या उससे पीछे चले जाए तो सुनील गावस्कर ने वो बैटन पकड़ाई, तो वहां पे हर 10 साल में एक रोल मॉडल मिलते चले गए, इसलिए वो स्पोर्ट्स डेवलप कर गया। क्या आप रीजन देख रहे हैं अदर स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स को ही अगर हम उदाहरण मान लें, क्या रोल मॉडल्स की कमी है और ये रोल मॉडल्स कैसे बनेंगे, इसके बारे में कुछ एज अ एक्स डायरेक्टर कभी सोचा आपने? हाँ, देखिए क्रिकेट की मार्केटिंग बहुत अच्छी है जी। पैसा बहुत आ रहा है करोड़ अरबों रुपए में,
परंतु दूसरे खेल भी जैसे एथलेटिक है, गरीब लड़के गांव के खेलते हैं, तो वो भी राष्ट्र का तिरंगा झंडा ऊपर करते हैं, राष्ट्रीय गान बजता है विदेशों में, तो छोटा भाई समझ के क्रिकेट वालों को, क्रिकेट के अध्यक्ष हैं उनको कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा करना चाहिए जिससे कि दूसरे खेल भी जो राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं उनको भी कुछ मदद मिले जी। क्योंकि ये भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनको भी आगे बढ़ना चाहिए, राष्ट्र का नाम करना चाहिए, और उसी उद्देश्य से हर राज्य में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मेरठ में स्वीकृत कर दी है जी। शीघ्र उसका विकास हो रहा है और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर है उसके वाइस चांसलर का सिलेक्शन इस समय विचाराधीन चल रहा है भारत सरकार में, जहां पे वाइस चांसलर के लिए 3 लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल, 1 ब्रिगेडियर, 51 लोगों की एप्लीकेशन आई है जिसमें डिस्कशन होने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि भाई ये लेफ्टिनेंट जनरल खेल में क्या करेंगे, मेजर जनरल क्या करेंगे, ब्रिगेडियर क्या करेंगे, क्यों उस आदमी को रखा जो कम से कम इंटरवर्सिटी खेला हो, खेल की कल्चर से वाकिफ हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उच्चकार किया हो, उसको ध्यान में रखते हुए उनको हटा दिया गया है। और आप खिलाड़ियों में से ही, खेलों के जो प्रोफेसर हैं उनमें से ही अगले महीने वाइस चांसलर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। तो ये अच्छा विकास है कि जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जैसे आरपी सिंह ने कहा कि बीच में प्रॉब्लम आ गई हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में, आरपी भाई कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से, उसके बाद हम अगले सेगमेंट में जाएंगे। जी आरपी भाई, देखिए जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है, मैं अदर जो हमारे यहाँ है करीब 5 उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नाम है लेकिन वहाँ फिजिकल यूनिवर्सिटी के फिजिकल की ज्यादा डिप्लोमा दिए जाते हैं, जैसे बीपीएड है, बीई है, एमपीएड है, वो दिए जाते हैं, लेकिन हम ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वो खिलाड़ियों के लिए बन रही है। और जहां तक ये जो चौहान साहब ने कहा वाइस चांसलर के लिए भी कौन होगा, वहां पक्का खिलाड़ी होगा, जिसने हमारे साथी कोई बैठे इनमें से किसी को मौका मिल सकता है, जिसने एशियन गेम्स में, वर्ल्ड कप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक में पदक प्राप्त किया होगा, तो वो बीएस सिर्फ पास होगा तो वाइस चांसलर बन सकता है। तो जो पढ़ाई वाले हैं वो तो एशियन गेम्स वर्ल्ड कप तो नहीं होंगे, वो आप ही लोग होंगे, कोई बाहरी नहीं। वो पुरानी कहावत आ जाती है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, हम कह सकते हैं नहीं, ये बड़ी घोषणा है। ये कहावत जो है अब वो दूसरा हो गया है, जब हम लोग थे तो छुप के जाते थे खेलने, तो पहले होता था तो खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन वर्तमान में ये चेंज हो गया है, खेलोगे कूदोगे, खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब। अरे वाह, तो मैं वो कह रहा हूँ कि अब ये चेंज हो चुका है, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कम से कम अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो, कम से कम नेशनल खेला हो, उसको उसमें एडमिशन मिलना चाहिए। वहाँ हम केवल फिजिकल टीचर के लिए नहीं खोल रहे हैं, वो जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स कॉलेज इंटर तक है, इसके बाद ये बच्चे कहाँ जाएं, वो अपने भविष्य के बारे में सोचते थे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन जाने से ये बच्चे वहाँ चले जाएंगे, प्रॉपर जैसे सुबह शाम खेलते थे वैसे ही खेलेंगे, वैसे ही इनको एक डिप्लोमा भी मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा होगा ये। चलिए, तो आरपी भाई ने बहुत बढ़िया एक तरह से कहा जाए ये खुशखबरी दी है हमारे तमाम जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो बड़े बड़े सितारे हैं, कि उनके लिए एक बड़ा रास्ता खुल रहा है, इंडस्ट्री खुल रही है मेरठ में। आप लोग आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी भाई आपका, चौहान सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारा अगला सेगमेंट कोचेस के साथ, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए एक स्कूटर, स्कूटर से कहीं ज्यादा है, के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज, और ये दिन बहुत खास है क्योंकि कई खेलों के और खिलाड़ी
हमारे साथ है और उनके साथ हम लगातार उनके व्यूज शेयर कर रहे हैं आपके साथ और लगातार आपको ये बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स का क्या कुछ महत्व है, प्रधानमंत्री की जो मिशन खेलो इंडिया है उसके पीछे क्या कुछ तैयारी चल रही है और इस मिशन को कैसे आगे ले जाने का काम तमाम स्टेट और वहां पे काम करने वाले लोग कर रहे हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान है, हमारे साथ रणवीर सिंह जी हैं, भारतीय वॉलीबॉल के कैप्टन रहे हैं, अर्जुन अवार्ड विनर हैं और साथ में हमारे साथ नकवी सर हैं, फुटबॉल के कोच हैं और हम सब जब स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ करते थे फुटबॉल में बड़ी ट्रेनिंग और बहुत ज्यादा दौड़ाया करते थे, इस बात को लेकर बड़ा गुस्सा रहता था हमारे जो साथी खिलाड़ी उनके जहन में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन रणवीर सर पहला सवाल शुरू आपसे ही कर लेते हैं। सर देख रहे हैं बड़े ढेर सारे आप यहाँ पे अलग अलग खेलों के जो खिलाड़ी हैं और लेकिन रंग सबका एक नजर आ रहा है, यानी खेल सबको मिला देता है, ये तो मानना पड़ेगा। खेल की दुनिया में तो कोई छोटा बड़ा नहीं जी, जी। ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, केवल खेल है। और मैं जब ये स्पोर्ट्स कॉलेज खुला तब से इसमें जुड़ा रहा 2010-11 तक जी। हमर विजय सिंह चौहान साहब एक महान खिलाड़ी, हम साथ आते थे, बच्चों को चयन करते थे, जब 10 और 11 में 13 बच्चे वॉलीबॉल में छठे वो 3 बचे तो फिर हमने आना बंद कर दिया, व्यवस्थाएं बदलती चली गई। और ये तो सब एक है, आज तो मुझे पहली बार पता चला अगर उन्होंने स्पोर्ट्स वाल वेलफेयर कुछ बनाया है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। भाई ताली तो बजा दिए सर, इतना एक्नॉलेज कर रहे हैं भाई। नहीं ताली की जरूरत नहीं, मैं तो इनसे निवेदन करूंगा जी। और जितने भी यहाँ कोचेज और खिलाड़ी हैं आप एक डायरेक्टरी बनाइए और मुझे मेरा तो निवेदन है कमलेंद्र सर निजी से, अब वो सबके पास सबके नंबर पते होने चाहिए जी, ताकि हम आगे जैसे खेल की दुनिया में बढ़ावा हो रहा है, लोग बता रहे हैं बढ़ रहा है खेल, तो लोगों को मिलजुल के बताएं मैं किस खेल में पीछे है किस खेल में आगे है, समानता आनी चाहिए, सबको बराबर हक होना चाहिए आगे बढ़ने का। बिल्कुल। और नकवी सर जो कुछ रणवीर सर कह रहे हैं उसी को जोड़ते हुए मैं आगे आपसे पूछना चाहता हूँ, फुटबॉल में भी काफी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, आईसीएल शुरू वहां पे, सॉकर लीग शुरू हो गई इतनी बड़ी, कैसे आप देखते हैं इस डेवलपमेंट पे और जब स्पोर्ट्स कॉलेज आया एज अ कोच और अभी तक जो फुटबॉल का डेवलपमेंट है उसको आप किस तरह से देखता है? नहीं तब जिस समय मैं यहाँ कोचिंग करता था उस समय इतना पॉपुलर नहीं था, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग जूझते रहे, मेहनत करते रहे और उसी का फल है कि ये सब फल फूल रहे हैं खिलाड़ी। और हमारे टाइम में 91 में सुब्रतो कप जीत के आए, 93 में सुब्रतो कप जीत के आए, कई नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर भी पैदा किए। लेकिन बस वही है जो आपने कहा कि डिसिप्लिन खिलाड़ी को खिलाड़ी बनाता है, वही एम हम लेकर के चलते रहे, उसी में हमको कामयाबी मिलती रही। बिल्कुल। और रणवीर सर डिसिप्लिन की बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, अगर हम वर्ल्ड स्पोर्ट्स को देखें अलग अलग डिफरेंट, वॉलीबॉल ही अगर हम देख लें, जब आप लोग के टाइम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर आते थे जिनको हम सब पहचानते थे जानते थे, हमारे ही बैच के हमको याद आता है भदौरिया भाई थे जिनके बारे में हम देखने जाते थे हम वॉलीबॉल कोर्ट पे उनको कि उनका दोनों हाथ चलता है, क्या ये रोल मॉडल्स की कमी अदर स्पोर्ट्स को थोड़ा पीछे कर रही है? रोल मॉडल्स आने चाहिए आगे, उनके अचीवमेंट्स लोगों के सामने आने चाहिए। देखो मैं कुछ सच बोलूंगा जी, हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा ना लगे जी, खेल की दुनिया में प्रतिभाओं का चयन उनको बनाना जी ये सबसे बड़ी बात है, कोचेस की जिम्मेदारी, सबको त्यागना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान के खेल जगत में जितना नुकसान भ्रष्टाचार ने खेल की दुनिया को किया है वो किसी क्षेत्र में नहीं है, या तो प्रतिभा कहीं है सुविधाएं कहीं है। आपको ये सुविधा मिली सरकार में, सरकार के साथ 10 साल काम किया थोड़ा बहुत, जानकारी की कोई पैसा मना नहीं करते, लेकिन वो प्रतिभाएं कहाँ चली गई जो यहाँ छाटी? कोई एशियन गेम्स खेला, कोई कॉमनवेल्थ खेला? हम ये पूछना चाहते हैं जिम्मेदार लोगों से। अब हमें एक पूरा रिकॉर्ड देखिए आप, ये मैं एक बहुत अच्छा बुलाया हूँ आपके लिए, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये मेडल टैली है जी। 1951 एशियन गेम्स से लेकर 2002 तक जी। इसमें क्या खास फर्क आया? सब कुछ सही है, भारत सरकार भी सही कर रही, राज्य सरकार भी सही कर रही, पैसा दे रहा है। तो इसमें मैं एक बहुत अच्छी टैली दिखाऊंगा आपको जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, एक दिन मैं पढ़ रहा था भारत सरकार के, 1951 में एशियन गेम्स हुए, एथलेटिक में पता नहीं जवान साहब को मालूम था एक मेडल, इसके बाद में फुटबॉल चैंपियन गोल्ड मेडल, इसके बाद में स्विमिंग में 4 मेडल, वेट लिफ्टिंग में 4 मेडल,
ये हुआ 1, 2, 4, 2, 6, 2, 8 टोटल 17। ये बेईमानी की चरम सीमा है, 17 टोटल। और ये बाद में 2002 तक देख लिया वॉलीबॉल में, ये वॉलीबॉल है मेरा, मैं गांव का खिलाड़ी हूं। 1951 में ब्रॉन्ज मेडल एशियन गेम्स में, 1962 में सिल्वर मेडल, 1986 में ब्रॉन्ज मेडल कॉमनवेल्थ में, 81 में हमको भी मिल गया भाई देवे, 2009 में जो मेडल फुटबॉल टीम, वॉलीबॉल टीम, हॉकी को तो छोड़ दिए, हॉकी हमारा शुरू से बहुत अच्छा खेला। एथलेटिक में चौहान साहब बैठे हैं, मैं इनको दौड़ते देखा, तेरचर से हमारी मित्रता है। 74 में जापान के खिलाड़ी को दौड़ा के मारा इन्होंने, गोल्ड जीता। आज वो मेडल है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया को 1981 पे 0 पे हराया इंडियन वॉलीबॉल टीम में, वो ओलंपिक खेल ली। 5 देशों को 1978 में 0 पे हराया। आज हम कहाँ हैं? हमें कुछ वास्तविकता के साथ चलना चाहिए, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमें जो मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं आज अपने बारे में बता रहा हूँ, 1961 से आज तक मैं एक अलग अकेला अर्जुन अवार्डी, दूसरा क्यों नहीं? अनुशासन भी है, त्याग है और नौकरी भी जी। साथ साथ अगर डीजी प्रकाश सिंह साहब ने हमने आमने सामने बैठ के बनाई, हम शासन में गए। आर गुप्ता साहब बोले रणवीर जो तुमको नहीं मिला, आने वाली पीढ़ी को मिले। 7 साल लगे पॉलिसी बनाने में, 2% कोटा कराया, दरोगा सिपाही 400 बच्चों को नौकरी मिली, कहाँ है? 800,000 का कोटा होगा ये पुलिस में खेलों का, क्यों नहीं भर्ती कर रहे? किसी भी प्रतिभा को समय से नौकरी मिल जाए, वो जिम्मेदारी। गरीब घर में पैदा हुई हिमा दास, आज डिप्टी एसपी होगी, कल जूनियर खेली, तो सुधा सिंह क्यों नहीं हो सकती यूपी में? भाई आप क्यों नहीं बना सकते हो? तो जो ये पारदर्शिता होनी चाहिए, खिलाड़ियों का भला होना चाहिए, उस समय पर नौकरी मिले। हमने तो ऐसी पॉलिसी बनाई थी, मुझे पता नहीं फिर क्या हुआ, पर हम 8वीं फेल किया, 8वीं पास सिपाही, 9th में बच्चा हाईस्कूल फेल आते हैं दाखले में, तो मगर हम स्पोर्ट बोर्ड से ले लेंगे। सरकार ने हमसे पूछा भाई रणवीर ऐसा क्यों? मगर जी बड़े अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, वहां से लेंगे, हमारे पास कोचिज हम बना लेंगे। कहले 8वीं पास में, कहा सर 10+2 BA नहीं चाहिए। मैं तो बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के साथ काम किया है, तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हों, बड़े उच्चशिक्षित हों। ईमानदारी और बेईमानी शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है अब नौकरी दो, एक भी बच्चा स्पोर्ट कॉलेज से नहीं लिएगा। लेकिन नकवी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो रणवीर जी कह रहे हैं कि नौकरी देना चाहिए, लेकिन नौकरी ही प्रायोरिटी क्यों? ये भी हो सकता है कि एक ऐसी पॉलिसी है जहां पर नौकरी आपके लिए फिक्स हो गया, आप पर्टिकुलर कोई किसी ट्रॉफी तक जा रहे हैं या लेवल तक जा रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, ये सर्टेन हो जाए, तो क्या आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट होंगे खिलाड़ियों में? फिर हम एक सुनील छेत्री की बात नहीं करेंगे, एक बाइचुंग भूटिया की बात नहीं करेंगे, हम फुटबॉल की बात करना शुरू करेंगे क्योंकि ढेर सारे हमें स्टार्स मिलेंगे वहां पे। ये विडंबना है कि ये पलायन, जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे, वो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से, उनको रोजगार न मिलने की वजह से, ये काफी समय से इसकी समस्या है और बार बार उठती भी रही है समस्या ये। तो ये खिलाड़ी दूसरे प्रदेशों से चले जाते हैं खेलने, तो उसमें प्रदेश जो है हमारा पिछड़ जाता है। और उसमें कोई, अब आरपी सिंह साहब आए हैं यूनिवर्सिटी का सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, यूनिवर्सिटी खुल रही है, बच्चे निकल के यहाँ से जाएंगे। और जब से ये आए हैं इनके अंडर में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कर रहा है, खिलाड़ी निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये कोरोना काल है, अभी तो कुछ बात ही नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन आएगा और ये जो हमारी पौध है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो हमारे पौध निकली हुई है, इनके और भी मोटो हैं, ये खिलाड़ी डेवलप भी कर रहे हैं, खिलाड़ियों की मदद भी कर रहे हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, इनको जो सिखाया गया, जो बताया गया, इनके गुरुओं ने जो बताया, हम लोगों ने जो सिखाया, आज उस पे ये लोग खड़े उतर रहे हैं और खिलाड़ियों की मदद कर रहे हैं। तो इसी तरह सामूहिक सब मदद करेंगे अगर, तब खेल क्यों नहीं, खिलाड़ी क्यों नहीं निकलेंगे, क्यों नहीं खेल डेवलपमेंट करेगा? लेकिन जो रणवीर सर कह रहे थे उसमें भी आना चाहूंगा कि जिस तरह वो कह रहे कि उनके बाद से किसी को अर्जुन अवार्ड मिला ही नहीं है, अगर हम वॉलीबॉल गेम में जाएं या फुटबॉल में जाएं तो इक्का दुक्का नाम आते हैं, क्या रीजन आप देखते हैं कि खिलाड़ी निकल के नहीं आ पाते, खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? आज आप दूसरे मुल्कों से कंपेरिजन करें तो हमारे मुल्क में एक सामूहिक
कोई कोई तो खिलाड़ी भी है चौहान और रणवीर सिंह बन जाता है, लेकिन जो एक सामूहिक पूरी टीम निकलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती। और फुटबॉल का तो ऐसा है कि एक भी खिलाड़ी अगर वीक हुआ 11 में से, वही कोना कमजोर हो जाता, वहीं से टीम हारती है। चलिए चलते चलते क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, रणवीर सर चलते थे आपसे जानना चाहेंगे, ये फिट इंडिया और जो खेलो इंडिया मिशन चलाया है हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं एज अ स्पोर्ट्समैन? देखिए प्रधानमंत्री जी के काम में तो कोई कमी नहीं जी, है जी, ना योगी जी के काम में कोई कमी है, कमी तो जमीन पे है ना जी। आप फिट इंडिया, मैं कहूँगा फिट इंडिया हो जाओगे, फिट इंडिया नहीं भागना पड़ेगा उसके लिए, फिर खेल मैदानों में देखना पड़ेगा। गांव में दो दो खेल चलते थे, कोर्ट एक भी नहीं है। यूनिवर्सिटी में देखो सिमेंटी में, मैं आज ये खुल के कहना चाहूंगा, बेहतरीन यूनिवर्सिटी की लखनऊ यूनिवर्सिटी की वॉलीबॉल टीम बेहतरीन टीम थी। मेरी पत्नी भी इंडियन टीम में छात्र होते हुए सेलेक्ट हुई। कहाँ है टीम, कहाँ है खेल मैदान? सच के साथ जियो, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और इन सब कोचेज के साथ जितने बैठे हैं, वो सच के साथ चले और सच प्रतिभाओं को बढ़ाए, वो आपको सिर्फ उसका श्रेय मिलेगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर सर आपका भी और नकवी सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सेशन के लिए एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद अलग अलग खेलों के खिलाड़ी हमारे साथ होंगे और उनके व्यूज हम जानेंगे मिशन जो खेलो इंडिया चल रहा है या फिट इंडिया उसके बारे में। स्वागत है स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज। ब्रेक से पहले हमने बात की कोचेस के साथ, अब अलग अलग खेलों के खिलाड़ी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम परिचय आपका करा दें। दानिश भाई हमारे साथ हैं, इसके अलावा करण भाई हमारे साथ, रजनीश भाई हमारे साथ, कमलकांत हमारे साथ और प्रवीण भाई हमारे साथ हैं। प्रवीण भाई हॉकी इंडिया खेले, रजनीश भाई इंडिया के लिए खेले और ये सारे जो आप खिलाड़ी यहाँ पे देख रहे हैं सब देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी देश के लिए खेल चुके हैं, देश की जर्सी पहन चुके हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्राउड मोमेंट है आज मेरे लिए कि हम तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ बैठे हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे खिलाड़ी स्पोर्ट्स कॉलेज की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यानी कि मिट्टी से मैदान तक का जो सफर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान तक का सफर है, वो बहुत बाखूबी इन्होंने उसको पूरा किया। और इस सफर में क्या कुछ रुकावटें आई, क्या कुछ मुश्किलें आई और ये सफर पूरा करने के बाद जो नेक्स्ट मिशन है उसमें वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे कि रजनीश भाई के बारे में आपको बता दूं, ये जूनियर इंडिया के सिलेक्टर हैं और इसी सरजमी पे जूनियर इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था हॉकी के मैदान पर। कमलकांत हमारे साथ हैं जो रणजी ट्रॉफी के सिलेक्टर हैं और यूपी की टीम वहां पर अच्छा कर रही है। प्रवीण भाई हमारे साथ, दानिश भाई हमारे साथ हैं और करण भाई हमारे साथ। रजनीश भाई चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि जब आप कॉलेज आते थे हम लोग आपके कपड़े बड़े मांग मांग के पहनते थे क्योंकि आपके पास बड़े स्टाइलिश कपड़े हुआ करते थे तब, और वो स्टाइल आज भी नजर आ रही है आपके पास, तो सब टी शर्ट में लेकिन आप बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। क्या आपने टीम को भी बिल्कुल वैसे ही अलग अंदाज में तैयार किया जो चैंपियन बनी? नहीं नहीं, इसमें देखिए पहली बात है कि आदमी इंस्पायर होता है, आप हमसे हुए, हम भाई साहब से हुए और लोगों से हुए, तो इंस्पिरेशन मिलता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता है, ये कोई अलग बात नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है। आप अपने से सीनियर प्लेयर को देखते हो तो एडमायर कहते हैं ना, एटीट्यूड जो है आपको प्लेयर बड़ा बनाती है, और वो एटीट्यूड क्या आपने दिया जूनियर टीम को जिसकी वजह से टीम चैंपियन बनी? नहीं, एटीट्यूड देखिए, एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो खुद में आती है, दूसरे को देख के नहीं आती, खुद एक एटीट्यूड होता है आदमी के अंदर इटसेल्फ होता है, तभी वो आगे बड़ा प्लेयर बनता है। कोई भी टीम बिना एटीट्यूड के नहीं जीतती, वही भारतीय टीम में था, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया वो एटीट्यूड के साथ खेली और वो चैंपियन बनी। तो ये एटीट्यूड प्रवीण भाई आप लोग खेलते थे तब भी था, ये जगह आके मजा आया कुछ कि नहीं, ये तो बताएं पहले। बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा कि दोबारा भी जिसी वजह ग्राउंड के अंदर क्योंकि पकड़ उतर जाए ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे सारे सीनियर्स प्लेयर और पूर्व निदेशक और प्रेजेंट निदेशक और कुछ सारे, अरे आपसे बात करके लग रहा है पंडित जी यहाँ बैठे हुए आपका गेम देख रहे हैं और आप डर के बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही लग रहा है रंजीत भाई? नहीं कि पंडित को साथ बैठे हुए कोई डर नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कमल को जरा माइक दे दे। कमल मैं सवाल पहले आपसे पूछ लूं, यूपी की टीम की अगर बात करें, यूपी क्रिकेट तो अच्छा कर ही रही है लेकिन आप स्पोर्ट्स कॉलेज से जुड़े रहे हैं और आपकी फिटनेस में हम लोग बहुत देखते रहे और आपको फॉलो भी करते रहे हम लोग जब थोड़ा खराब होता था, क्या ये जो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है या जो खेलो इंडिया चल रहा है उसमें क्रिकेट को आप किस तरह से आगे बढ़ते देख रहे हैं? जैसा कि
ये प्रोग्राम फिट इंडिया और ये वाला चल रहा है, इसमें शायद क्रिकेट नहीं है, सही कह रहा हूँ मैं? तो आप कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट को भी इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि हर गेम को देख रहे हैं और हर गेम में बच्चे नीचे से आ रहे हैं, तो हमारे क्रिकेट में भी नीचे से ही आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बड़े शहर का बच्चा हो। तो फिट इंडिया प्रोग्राम छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों तक लाया जा रहा है, तो उसमें मैं मतलब जरूर प्रार्थना करूंगा, भाई हम सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारे फिट इंडिया प्रोग्राम में और उसमें क्रिकेट को जोड़ा जाए। और आज के टाइम जो चल रहा है उसमें वाकई में यूपी की टीम बहुत अच्छा कर रही है, यूपी में छोटी छोटी जगह के बच्चे निकल के आ रहे हैं, और आप टैलेंट देखिए, चाहे वो आरपी सिंह को लें, हम चाहे रैना को लें, जो क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉलेज के, दोनों स्पोर्ट्स कॉलेज के और यहीं के निकले हुए हैं, और फिट इंडिया प्रोग्राम यहीं से एक तरह से निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आते ही सबसे पहला काम हम लोग फिटनेस और दौड़ने का ही करते हैं, तो फिट इंडिया यहीं से निकल के ऊपर आया है। जी राजीव जी, मनीष भाई आप क्योंकि हॉकी में हॉकी की बहुत बहुत आए, तो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हॉकी का गढ़ माना जाता था स्पोर्ट्स कॉलेज, कैसे आपको लगा पहले तो एक्सपीरियंस ही बताएं, तमाम जो अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों से आप मिले उसका एक्सपीरियंस बताएं, और दूसरा जब हिंदुस्तान की पहली जर्सी पहनी थी और उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। देखिए सबसे पहले तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े इलाहाबादी अंदाज में बोलिए, इतने सीनियर प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं जिनसे हमें मिलने का मौका मिला है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा हॉकी से इंस्पायर है। सभी हॉकी प्लेयर्स हैं, नाना हो चाहे मामा हो, तो उनके ही नक्शे कदम पे चलते चलते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने 2009 में सीनियर टीम में पहली बार एंट्री की थी, और आप सबकी दुआ के वजह से दो ओलंपिक्स खेला, एशियाड में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और दो कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल्स है। तो मुझे लगता है कि हॉकी एक ऐसा गेम है जहाँ पे 16 प्लेयर्स रहते हैं और उनका मेडल एक साथ आता है, पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि मैं अर्जुन अवार्ड के लायक हूँ, बट नसीब में नहीं था या चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला, नहीं तो मेरे नाम के भी आगे आज अर्जुन अवार्ड ही लगता। चलिए कोई बात नहीं, जो कुछ कहते हैं ना कि देर कभी कभी होती है लेकिन चीजें अच्छे के लिए होती हैं, और हमेशा इंतजार करना चाहिए, और करण भाई शायद यही इंतजार आपको भी है कि फुटबॉल में चीजें अच्छी हो जाए, आप भी हिंदुस्तान के लिए खेले, चीजें थोड़ी ठीक हो जाए, आपको लग रहा है फुटबॉल में क्या कुछ, आप यहाँ पर क्या आपके जहन में चल रहा था जब आप इतने सीनियर लोगों की बातें सुन रहे थे? फुटबॉल आप फुटबॉल के दृष्टिकोण से आप देखेंगे अगर तो हम काफी पीछे चले आए चले आए चले आए चलते चले आए 61 तक हम बहुत अच्छी पोजीशन में खड़े रहे, कहीं पर 61 तक हम बहुत अच्छी पोजीशन में खड़े रहे, और धीरे 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 करते करते हम जहां आज 100 आउट ऑफ 100 हैं। वजह क्या है? वो अपडेट होते रहे और हम पीछे उनके घूमते रहे, हम अपडेट नहीं हो रहे हैं, हमें अपडेट होना पड़ेगा फुटबॉल को अगर आगे लाना है, हमें ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा, ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे तो चाहे कितने भी मोमेंट चलेंगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्या हॉकी में ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है रजनीश भाई? आपको लग रहा है कि आप सिलेक्टर हैं, चीजें हॉकी में भी थोड़ी गड़बड़ हुई लेकिन अब लग रहा है पटरी पे वापस आ रही है, अभी भी स्किल और स्ट्रेंथ के मामले में थोड़ा सा हम पीछे नजर आते, कैसे इन चीजों को इम्प्रूव करने में काम कर रही है हॉकी इंडिया? बेसिक आप अगर बात करो, मैं अपने स्टेट की बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की, तो हमारे यहाँ तो काम हो रहा है, काफी पुख्ता काम हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग 3 साल से सब जूनियर और जूनियर नेशनल और जितने भी खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसमें उत्तर प्रदेश रनर अप है या जीत रही है, तो हमारे यहाँ तो काम हो रहा है और ऊपर लेवल पे भी काम हो रहा है। जूनियर वर्ल्ड कप हम जीते हैं 2016 का, उसके बाद जो नेक्स्ट अब 2021 में है, तो देखते हैं, इंडिया की टीम की तैयारी काफी पुख्ता है और मुझे उम्मीद भी है कि वो फिर इतिहास दोहराएगी और जीतेगी, तो हमारे यहाँ ग्रास रूट पे काम हो रहा है, हॉकी में काम हो रहा है, तभी हम रिजल्ट दे पा रहे हैं। प्रवीण भाई जब आपने हॉकी पकड़ा तब वो ग्रीन एस्ट्रोटर्फ नजर आता था, अब ये नीला नजर आ रहा है हमारे ठीक पीछे, आ गया था नीला या एस्ट्रोटर्फ उसके बाद, कैसे कैसे आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हॉकी में, क्या उसको भी थोड़ा सा आप रीजन मानते हैं? स्किल जो हॉकी की थी वो कहीं पीछे छूट गई और पावर हॉकी ज्यादा आ गई? पावर पावर अगर नहीं है तो आप हॉकी खेल नहीं सकते हैं, और ये देखा जाए कि सारी सारी जगह पर अगर एक्टिविटीज में अगर हम टाइमली अगर नहीं है या हम उस कंडीशनिंग अच्छा नहीं कर रहे तो हॉकी खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि हॉकी में टर्फ हमेशा चेंज होते रहते हैं, और टर्फ हमारे यहाँ जब चेंज होता है बाहर तो हमारे यहाँ लेट आता है, तो उस चीज को फिर ग्राउंड में पहले कंसिडर करने में थोड़ा प्रॉब्लम। दानिश भाई से जान लेते हैं, दानिश भाई क्योंकि आप इलाहाबाद से आए हो, इलाहाबाद में तो स्टोटर्फ है नहीं, और जब आप ग्रास रूट लेवल पे हॉकी शुरू करते हैं, आरपी भाई हैं, आरपी भाई से भी मैं बाद में पूछूंगा कि छोटे शहरों पे क्या कभी एस्ट्रोटर्फ जैसे छोटे प्रैक्टिस एरियाज दिए जाएंगे जहां पे इसके
आप डेवलप कर पाए, इस पर आगे बात करेंगे। कैसे आप देखते हैं जब आप इलाहाबाद में हॉकी शुरू करते हैं, मुझे याद है जामिया मजीदिया में जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ तो घास भी नहीं है, वहाँ पे मिट्टी पे शायद प्रैक्टिस होती है, कैसे कैसा मुश्किल होता है वहां से शुरू करके फिर आपको एस्ट्रोटर्फ पे आना और जो फॉरेन टीम्स है उसके साथ करना, खासतौर से यूपी से आकर आपको इंटरनेशनल हॉकी में जाना? देखिए सबसे बड़ी चीज के हम लोग में स्किल जो होती है बहुत टफ चीज होती है हॉकी में, क्योंकि आदमी और ज्यादातर यूपी के जितने भी प्लेयर हैं कलाकारी के नाम से फेमस हैं कि बड़े कलाकार होते हैं यूपी के बच्चे, बट जैसे चैट ग्राउंड पे हॉकी खेलना उसकी डिफरेंट स्किल होती है और एस्ट्रोटर्फ की स्किल डिफरेंट होती है। तो बट जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज में जो बच्चा आता है उसको बेनिफिट ये हो जाता है कि वो छोटे से उसको टर्फ मिल जाती है और कुछ चीज़ें अच्छी जितनी स्किल होती है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो चीज़ सीखने को मिल जाती है, जो कि हमें इंडिया टीम में जाने के लिए या अच्छे मेडल लाने के लिए देश के लिए खेलने के लिए बहुत आसानियाँ पैदा होती है। बट हमारे अंदर यूपी के लड़के या इवन पूरे इंडिया से जितने भी बच्चे हैं बड़े टैलेंटेड होते हैं तो वो कैसे भी करके उस मुकाम को अचीव करते हैं और देश को ऊपर लेके आते हैं। बिल्कुल रजनीश भाई, फिर भाई आ जाऊंगा ग्रास रूट लेवल पे, जब आप हॉकी खेलते थे तो आपके बारे में प्रवीण भाई लोग बोला करते थे निकलने नहीं देता बगल से, तो ये जो बॉडी लगा के आप रोक देते थे वो फॉरेन स्टाइल उस समय हम लोगों ने देखा है 90s में, क्या ये जब आप सेलेक्टर हैं ये सारी चीजें भी आप देखते हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है, क्योंकि हॉकी में इन दिनों जैसे कि हम सब देख रहे हैं फॉरेन की जो हॉकी वो इसलिए बहुत आगे बढ़ रही है क्योंकि पावर हॉकी फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्या जब जूनियर हॉकी आप सेलेक्ट करने जाते हैं या यूपी हॉकी में जब आप प्लेयर्स को छाटते हैं या आप टीम के लिए उसको लेते हैं क्या ये चीजें भी होती हैं जहन में? देखिए आप पहले उस जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त की आज की हॉकी में बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले आप एक बहुत साफ सुथरी हॉकी देखते थे, ऑफ साइड थी, अब सारी चीजें परिवर्तित हो गई हैं। बॉडी प्ले तब होता था लेकिन इस रूप में नहीं होता था, आज बॉडी प्ले बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है। तो अब अगर आप बात करें कि आज की हॉकी और तब की, काफी परिवर्तन है। ऑफ साइड नहीं है, प्लेयर रोटेशन होने लगा 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो काफी चेंज हो गया। लेकिन आपको उसी अनुसार हर दशक में हॉकी चेंज होती है तो उसी अनुरूप आपको चलना रहता है। जैसे आप हमारे दशक में बात करें, प्रवीण बहुत तेज भागते थे, क्या दानिश है अपने टाइम में, दानिश डिफरेंट टाइप हॉकी खेलते थे, तो सबका मिश्रित समावेश होता है, आप एक चीज लेके नहीं चल सकते। आज के दौर में अगर आप बॉडी प्ले कर रहे हो तो आपको पावर ज्यादा होनी चाहिए, आपका स्किल, आपका आपको बॉल मारना डिफरेंट तरीके से है, बॉल रोकना डिफरेंट तरीके से, तो काफी चीजें परिवर्तित हुई है। तो प्लेयर वही होता है जो अपने आप को चेंज कर लेता है और हर एक स्ट्रेटजी में वो अपने आप को वैसे ही प्रोड्यूस करता है। ये एक सबसे बड़ी बात होती है हॉकी प्लेयर की, कि हर दशक में हॉकी की परिवर्तन होती जा रही है, तो जिस दशक का प्लेयर होता है वो उसी के अनुरूप ढाल लेता है। जब दानिश लीजिए उससे पहले भाई साहब लीजिए, उससे पहले प्रवीण सिंह लीजिए, भाई साहब लीजिए, चाहे हमको लीजिए, तो सारी चीजें वो अलग अलग समावेश में जाती है तो प्लेयर समझ जाता है। बिल्कुल, लेकिन करण भाई बात वापस अगर हम फुटबॉल पे आए यानी कि छोटी बॉल से बड़ी बॉल पे आ जाए, वहां पर चीजें कब बदलेंगी? क्योंकि हम लोग बड़ी उम्मीद करते हैं हमेशा कि यूपी में कि फुटबॉल अच्छी हो जाए, फुटबॉल प्लेयर्स अच्छे निकले, हमें रोल मॉडल्स मिले, लेकिन वो सारी चीजें कम से कम यूपी से नदारद होती जा रही। कुछ प्लेयर्स आते हैं जहन में यूपी के, हमारे कॉलेज के शमशीर रजा थे जो एक बड़े प्लेयर थे, जहन में आते हैं, लेकिन उसके बाद सडनली वो नाम ही गायब है पूरा। क्या कैसे होगा ये चीजें ठीक? देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन फेडरेशन की मनमानियां, एक वंशवाद की तरह चलते हुए कार्यक्रम, उनके बच्चों भाई से भाई को, भाई बाप से बेटे को, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इनका चल रहा है, खेल में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है कि खेल कहीं से ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। मेन जहां काम करना है, आज हमारे प्रदेश में एक भी एकेडमी ऐसी नहीं होगी जहां ग्रास रूट पे काम करने के लिए हो, एक सिंगल एकेडमी नहीं होगी हमारे फेडरेशन के पास, एक भी ग्राउंड ऐसा नहीं होगा जहां एक भी कैंप लगाया जा सके। खेल विभाग की मेहरबानी होती है, डॉक्टर साहब की मेहरबानी होती है, कहीं हमारे कैंप लग जाते हैं, उन बच्चों को कुछ एकोमोडेशन मिल जाती है, फूडिंग मिल जाती है, अदरवाइज फेडरेशन की तरफ से कोई ऐसा काम ही नहीं हो रहा है यूपी में कि वो कहीं से भी फुटबॉल डेवलप होने होती नजर आए। कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने कोशिश भी की है और आगे भी करेंगे कोशिश, और सबका सहयोग भी चाहेंगे कि हमें सहयोग मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करण भाई आपका, दानिश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रजनीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवीण भाई और कमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से आप देख रहे थे हमारी ये खास पेशकश, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।